आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी हेल्दी और टेस्टी मिठाई की रेसिपी। इस मिठाई को आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। चीनी नहीं है, चाशनी नहीं बनानी है और बहुत ही सॉफ्ट है और मुलायम है। मिल्क पाउडर नहीं है, दूध नहीं है, मावा नहीं है, तब भी हमारी मिठाई एकदम सॉफ्ट सी बन के तैयार होगी, मुँह में घुल जाने वाली। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस मिठाई को हमने बनाया है मखाने से। तो यहाँ पे मैंने एक कप मखाने ले लिए हैं। मखाने को हमें गरम कर लेना है, तो इस तरह से चलाते हुए हम गरम कर लेंगे। और मखाना बहुत ही हेल्दी होता है, तो इन्हें हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पे अब हमने मखानों को देखें इस तरह से गरम कर लिया है, और इसे हम चेक भी कर सकते हैं कि मखाने हमारे अच्छे से परफेक्ट भुंज गए हैं कि नहीं। एक मखाना लेंगे और मसल के देखेंगे, तो देखें अभी बहुत सॉफ्ट है और ये अभी गर्म नहीं हुए अच्छे से, देखें टूट नहीं रहे हैं। तो थोड़ा और हम इन्हें गर्म करेंगे, क्रिस्पी से होने तक गर्म कर लेंगे। तो जो मिठाई बनाने वाले हैं ना, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से और जल्दी बनने वाली मिठाई है, जिसे आप व्रत में बना सकते हैं या फिर सिंपल घर में बना के रख सकते हैं, और इस मिठाई को डाइट में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हेल्दी है, कोई डर नहीं है इस मिठाई के खाने का। तो बस यहाँ पे अब मखाने हमारे भुंज गए हैं, और अब हम क्या करेंगे, मखानों को एक बर्तन में निकाल लेंगे और फिर से इसमें मूंगफली डाल देंगे आधे कप। तो यहाँ पर हमने मूँगफली ले ली है और इसे हम गर्म कर लेंगे। तो अब हम बिना चीनी की बना रहे हैं, तो गुड़ का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, गर्मी का समय है। तो पहले हम मूंगफली को भूंज लेंगे अच्छे से, और देखिए मूंगफली मैं निकाल रही हूँ तो आ नहीं रही, खिसक रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इस तरह से इसका छिलका उतारना है, उतर रहे हैं तो भूंज गई है। हम छिलका नहीं उतारेंगे, पर आज बहुत ही सिंपल तरीके से मैं मिठाई की रेसिपी लाई हूँ, जो बच्चे भी बना के तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पे मिक्सी का जार ले लीजिए, मखाने ठंडे होने पर इन्हें डाल दीजिए, साथ में मूंगफली को भी ठंडा करके इसमें डाल दीजिए। और जैसे मैंने बताया ना, झंझट नहीं करने वाले हैं मिठाई बनाने में, सिर्फ 5 से 7 मिनट में आपकी मिठाई ये बन जाएगी। तो यहाँ पे अब हमने देखे मिश्री का इस्तेमाल किया है, और मिश्री में जो धागे रहते हैं ना, इनको आपको निकाल लेना है इस तरीके से, या फिर जो पीस में मिश्री आती है ना, सिंपल छोटी छोटी, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधे कप मिश्री ले ली है और इसे डालकर अच्छे से पीसना है। अब आप मिश्री नहीं डालना चाहते तो गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। और अब हमने इलायची ली थी, इलायची से खुशबू टेस्ट दोनों बहुत अच्छे आते हैं, तो बस इसी सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। तो इनका एक पाउडर से बना के तैयार करेंगे, तो पाउडर को अच्छे से चेक कर लीजिए, इस तरह से अच्छे से महीन सा बनना चाहिए। और देखिए मुझे छानने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो छान भी सकते हैं, क्योंकि मैंने इन्हें अच्छे से पीस लिया है। तो इसे निकाल लिया है एक बर्तन में। अब देखिए अब हम चाशनी नहीं बना रहे हैं, तो बस इसे हम निकालने के बाद इसकी डायरेक्ट मिठाई बनाने वाले हैं। तो देखें अभी काफ़ी ये सूखा दिख रहा होगा आपको, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कंबाइन नहीं हो रहा है, जब ये कंबाइन होगा, हल्का सा हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो इसमें कंबाइन करने के लिए है ना, हम घी इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 चम्मच। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं, मलाई का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर दूध का इस्तेमाल कर लीजिए, पर दूध के इस्तेमाल से ना आप ज़्यादा दिन तक ये मिठाई स्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा दिन तक स्टोर करना है, तो आप घी से इसे इस तरह से कंबाइन करिए, महीनों तक खाइए इस मिठाई को, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो बचा हुआ घी भी हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी तो हमने लिया नहीं था, और घी डालने से टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये महक भी बहुत अच्छी आती है। ताज़ा घी एकदम मेरा घर का निकला है, बहुत ही अच्छी मिठाई बनके ये तैयार हुई है। अब हम क्या करेंगे, कोई ढक्कन ले लेंगे इस तरह सा, ये सॉस की बोतल का ढक्कन है, या फिर आपके पास इस तरह से कोई चम्मच हो तो भी चलेगा। तो बस इन दोनों में से कुछ भी हो, तो इस तरह से आप इस मिठाई को बना सकते हो, इसमें भरकर दबा देंगे और फिर निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी प्यारी प्यारी मिठाई बनाने वाली हूँ, जो झटपट से बन जाएगी, और बस इस मिठाई को इस तरह से निकाल लेंगे।
तो आप व्रत के लिए बना रहे हो तो भी बना सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर घर के खाने के लिए भी बना के रखी जा सकती है। अगर आप दूध वगैरह पीते हैं तो साथ में थोड़ा मीठा पसंद करते हैं तो एक मिठाई का टुकड़ा इसका खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। तो देखें, अब हमने इस तरह से दबा के इस तरह से खिसका देना है। बहुत ही ईजी है, ऐसा नहीं है कि फंस के रह जाएगी। झटपट से आप इस मिठाई को बना ले जाओगे। और उम्मीद करती हूँ आज सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि कोई तामझाम नहीं है, 5 मिनट में आप मिठाई बना लोगे। तो बस इस तरह से हमें सारी मिठाई बना के तैयार कर लेनी है। चाहे तो सिंपल घर के लिए बनाइए या फिर व्रत के लिए बनाइए, बहुत ही इजी तरीका है। तो अब हम क्या करेंगे, मिठाई को अगर व्रत के लिए है तो काजू या बादाम ड्राई फ्रूट से ऊपर से सजा दीजिए। अगर व्रत के लिए नहीं है तो इस तरह से चेरी वगैरह रख के भी सजाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे टूटी फूटी का इस्तेमाल किया है और इसे सजा दिया है। अगर आपकी ये व्रत की है तो आप इसमें छोटे छोटे काजू या बादाम के टुकड़े रख सकते हैं, जिससे हमारी मिठाई देखने में भी सुंदर लगने लगेगी और खाने में भी टेस्ट बढ़ जाएगा। तो मिठाई तो हमारी बनके तैयार हो गई है, लेकिन अभी हमें दिखाऊंगी आपको कि कैसे ये सॉफ्ट और मुलायम है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली परफेक्ट सी ये बनी है। देखें कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल नया तरीका है। और इस तरह से देखें एकदम सॉफ्ट है। तो ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी सबको पसंद आई हो। पसंद आए तो रेसिपी